मेरा तो यही होगा कि मैं 3 मैच में 15-16 आउट करूं और बेस्ट बॉलर बनूं। लेकिन नहीं, इस फनी वो बस यही है कि देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी मौका मिले हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि टीम के लिए अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दूँ और जब भी मुझे बॉल मिले आऊँ और विकेट लूँ टीम के लिए। आई थिंक इतनी तेज़ का भी नहीं सोचा कि इतनी तेज़ करूं, बट यह है कि स्पीड से कुछ नहीं होता, जो मेरा अपना है कि स्पीड से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास लाइन और लेंथ नहीं है, स्विंग नहीं है, तो आप बैट्समैन को इजीली बेट नहीं कर सकते। अगर आप देख ले, जितना भी तेज़ हो उसको भी पॉइंट पे छक्का मिलता है, 130 वाले को भी पॉइंट पे छक्का मिलता है। सो मेरी यही होती है कि जाहिर सी बात है फिटनेस पे काफ़ी काम कर रहा हूँ, जितना मैं अपनी फिटनेस पे काम करूँ उतनी मेरी पेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिट रहूँ, स्पीड भी आ जाएगी, स्विंग और लाइन और लेंथ भी अच्छी होगी। आप खड़े हो जाए फिर सही जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये है कि पाकिस्तान के आप जिधर भी जाए, इवन हम अभी काउंटी खेल गया है, तो आप यही सिर्फ बात होती है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इतने तेज़ और इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह की ये वजह है कि इधर से एक तो हमारे लेजेंड्स इतने माशाल्लाह फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 500-500 आउट किए हैं, तो जाहिर सी बात है विकटें नहीं बनेगी तो और अच्छे फास्ट बॉलर और बॉलिंग में और हमें भी मज़ा आएगा कि और सीम और स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा। बट ये है कि जो ये विकटें थी ये भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे टीम का हो वैसे। देखिए दोस्ती तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन टीम में और भी बॉलर हैं जो मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ बॉलिंग करूं। हसन है, तो उस हसन के साथ मैं जब भी टेस्ट, वन डे, T20 में बॉलिंग करता हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे फील होता है और वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी बॉलिंग में। और हारिस, जाहिर सी बात है हारिस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उसको PSL में भी मैं उसके साथ था, तो काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बिल्कुल, आई थिंक मैं मुल्तान में, मैंने अंडर 19 का कैंप वगैरह भी किए थे उधर, अंडर 19 के मैचेस भी खेले, फिर नेशनल T20 मैंने खेला है, आई थिंक 2020 में मैंने नेशनल T20 खेला है। सो जाहिर सी बात है 14 साल बाद उधर मेरे खास इंटरनेशनल मैच हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और उम्मीद है कि जैसे फैंस ने हमें और कराची, पिंडी और लाहौर में सपोर्ट किया, तो यही है कि उनसे भी यही है कि उधर आके सपोर्ट करें, और एक तो कोविड के बाद है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट नज़र आएगी उनको। मैंने परसों एक वीडियो लगाई थी उसमें बैटिंग कर रहा था, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरे चक्के भी नज़र आएंगे। अगर वो बैटिंग करती तो हम बॉलिंग कर लेंगे। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से वेदर के बारे में आप ज़्यादा कह रहे हैं कि अगर बॉलिंग मिली तो स्कोर कितना बोर्ड पे डिपेंड करते हैं कि विकेट कैसी हो, और विकेट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है हमारी यही कोशिश होती है कि हम 250 से नीचे नीचे आउट करें टीम को, तो यही हमारा गोल होता है। थैंक यू सो मच।